आज हम बनाएंगे अदरक, कच्ची हल्दी और हरी मिर्च का अचार। जो हल्दी होती है और जो अदरक होता है उनकी तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों में ही हमें बाजार में मिलते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। हल्दी के गुणों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हम कच्ची हल्दी का अचार बनाकर सर्दियों में खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। और अदरक के बारे में भी आपको पता है कि जो अदरक होता है उसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है और अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम है तो ये उससे भी हमारी रक्षा करता है। तो आज हम हल्दी और अदरक का अचार बनाएंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये 150 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, 100 ग्राम मैंने अदरक लिया है, 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम सरसों के तेल का यूज किया है क्योंकि जो अचार है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो आप जो भी ऑयल अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम सिरका यूज करेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत सौंफ ली है, 2 चम्मच मैंने ये पीली वाली सरसों का यूज किया है, 8 से 10 काले मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच मैंने अमचूर पाउडर का यूज किया है। तो पहले हम अपने मसालों को भूनकर रेडी कर लेते हैं। हमें इनको बहुत ही हल्का सा सेकना है। मैंने गैस पर एक पैन को रख दिया है। अगर क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और मसालों में थोड़ी सी सीलन है इसलिए हम इसको भून कर ले रहे हैं। अगर आप इसको धूप में सुखा लें तो ये आपको भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इनको धूप में नहीं सुखाया था तो मैं इनको हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी जिससे मुझे इनको भूनने में पीसने में परेशानी ना हो। पैन अब मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें ये सौंफ डाल दूंगी। मेथी दाना, धनिया और काले मिर्च। अभी मैं सरसों को थोड़ा लास्ट में डालूंगी जब ये हल्का सा एक बार बाकी के जो हमारे मसाले वो हल्के से रोस्ट हो जाए। ये सब काम हमें मीडियम फ्लेम पे करना है और मसालों को लगातार हमें चलाते रहना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इनको रोस्ट करना ताकि बस इनकी नमी चली जाए, हमें इनको जलाना नहीं है। अभी देखिए आधा मिनट हो गया है, अब मैं इसमें ये सरसों दाना भी डाल दूंगी। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप यहाँ पर काली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए मुझे मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी और इसको निकालकर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर हमें इनको पीसना है और हमें इनको बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा करके ही हमें इन्हें लेना है। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल दूंगी और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक अब हम ये मसाले हमारे ठंडे होते हैं, हम अपने अदरक और हरी मिर्च को काट कर रेडी कर लेते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले मिर्च काटूंगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। मैं 1 मिर्च में से 3 या 4 पार्ट इसके काट रही हूँ क्योंकि मैं इसको बाइट साइज में काट रही हूँ ताकि ये जो भी इसको ले तो ये वेस्ट ना हो। थोड़ा अचार को जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा छोटा करके ही बनाया जाता है। अब मैंने सारी मिर्च को काट लिया है, अब मैं अदरक को भी काट कर रेडी करूंगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से चाकू लिया और इसको इस तरीके से खुरचते हुए हमें इसको काटना है। हमें इसको छीलने के लिए पिलर का यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर हम पिलर का यूज करेंगे तो जो बहुत सारा हमारा अदरक है वो वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम हल्दी को भी खुरच कर क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं हल्दी को भी कुरेच कर इसका जो छिलका है वो निकाल रही हूँ ताकि हमारी हल्दी बहुत कम वेस्ट हो। अब मैंने अदरक और हल्दी को छील लिया है और फ्रेंड जो इसके छिलके बचे हैं इनको आप सुखा कर रख सकते हैं, इसको आप काढ़ा बनाने में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चाहो तो हल्दी काटने में जैसे हमारे हाथ पीले हो जाते हैं आप इसमें काटते टाइम ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे बाइट साइज में। देखिए
इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। आप चाहो तो इनको थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, पर मैं इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ। अब हम इसी तरीके से अपनी सारी हल्दी को और अदरक को भी हम बाइट साइज में काट कर रेडी कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने अदरक और कच्ची हल्दी को भी बाइट साइज में काट लिया है। अब हम सबसे पहले तेल को गर्म होने के लिए रखेंगे। मैंने गैस पर एक पैन को रख दिया है और जो हमने ये तेल लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से धुआं आने तक हम इसको गर्म करेंगे, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है उसमें बहुत ज्यादा घास होती है, तो इसको पकाना बहुत जरूरी है। इसको हम अच्छे से धुआं उबलने तक गर्म करेंगे। जब तक हमारा तेल उबल रहा है हम अपने मसालों को पीस कर रेडी कर लेंगे। मैं जो हमने मसाले भून के रखे थे उनको हम मिक्सी में डाल लेंगे और हल्का सा दरदरा इनको पीस लेंगे। अगर आपको चाहिए कि दरदरा नहीं पीसना तो आप इनको एक फाइन पाउडर भी इनका बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा मसाला पीस गया है, आप देख पा रहे हो मैंने इसको बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा मैंने इसको दरदरा रखा है। अब हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए इसमें से बहुत ही धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बहुत ज्यादा गरम तेल में अचार डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसको हम हल्का सा, जब ये हल्का सा गुनगुना होगा तब हम इसमें अपने सारी चीजें मिक्स करेंगे। अब हमारा तेल ठंडा हो गया है, तो ये काफी सारा तेल है तो मैं इसमें से पहले आधा तेल निकाल दूंगी। अब देखिए हम मैंने इसमें सारा तेल निकाल दिया है और हमें ये तेल बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का सा गुनगुना हो तभी हमें इसमें सारे मसाले डालना है। मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी और जो हमने ये मसाले रोस्ट कर और पीस कर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा मसाले का यूज कर रही हूँ, अगर आपको कम मसाले का यूज करना है तो आप कम का भी यूज कर सकते हैं। मैं ये सारा ही मसाला इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि मसालों का फ्लेवर अचार के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। गैस को हमें बंद ही रखना है, गैस को हमें ऑन नहीं करना है। अभी देखिए सारे मसाले हमारे थोड़े से भून गए हैं। अभी देखिए मैं इसमें ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूंगी और ये आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो हमारे अचार का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे और जो हमने ये सब चीजें काट कर रखी थी वो भी हम अचार में डाल देंगे। हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम अचार बनाने के लिए कोई भी चीज लेते हैं, जैसे अदरक हरी मिर्च या कुछ भी, तो वो अच्छे से धुली हुई और अच्छे से कपड़े से पोंछ कर हमें उनको यूज करना है। उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा अचार है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और इनको जब हम स्टोर करेंगे तो वो डिब्बा भी हमारा बिल्कुल ही अच्छे से धुला हुआ और धूप में सुखाकर हमें यूज करना है। और जब भी हम अचार को निकालेंगे किसी भी डिब्बे में से या बर्नी में से, तो वो चम्मच जो हम यूज करेंगे वो बिल्कुल ही सूखी होनी चाहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब देखिए मैंने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच सिरका डाल देंगे, जिससे जो हमारे अचार की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके पास कोई भी सिरका हो आप उसका यूज कर सकते हैं। जो डालते हैं एक तो ये हमारे अचार के टेस्ट को बढ़ा देगा और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अभी देखिए हमारा ये कच्ची हल्दी अदरक और हरी मिर्च का अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसे आप चाहो तो इंस्टेंट भी खा सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। और अगर आपको लगे कि इसका फ्लेवर और हमें इन्हेंस करना है तो आप इसको 2 दिन के बाद अगर खाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको इसको जल्दी खत्म करना है तो आप इसको इतने ही तेल में बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इसको काफी दिनों तक स्टोर करके रखना है तो आप जिस भी डिब्बे में इसको रखें उसको अच्छे से आप तेल से पूरा भर दें। अब देखिए मैंने इस तरीके की एक कांच का डिब्बा लिया है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर और धूप में सुखा कर लिया था। अब मैं इस अचार को इसके अंदर डाल दूंगी।
आप इसको चाहो तो 2 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं और 2 दिन के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही टेस्टी अचार बनकर रेडी हो गया है। ये आपके पाचन क्रिया को तो ठीक करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने इसमें अदरक का यूज किया है और हमने इसमें हल्दी का यूज किया, जो हमारी हड्डियों को बहुत मजबूती देगा। तो आप इसको जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, अब मैंने इसको ये बर्नी में भर दिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, वैसे तो हमारा ये अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको 1 हफ्ता भी फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इसको बहुत दिनों तक यूज करना है तो हमने जो सरसों का तेल उबाल कर ठंडा कर कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से तेल से पूरा भर देंगे, ताकि जो हमारा अचार है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये आप इसको 6 महीने तक भी रखकर यूज कर सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें गीली चम्मच का यूज नहीं करना है, और इसको आप अच्छे से ढककर रखें, और जितना भी आपको ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हैं तो इसको छोटी सी एक किसी डिब्बे में निकाल कर रख लें और उसको यूज करें, और बड़े बर्तन को, बड़ी बर्नी को आप अलग से रख दें, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। आप इसको 6 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन में ऑल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो।